हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी और आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कराएंगे। ठीक है, कहने का मतलब मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में, आज की अगर वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लिए तो। और उससे भी एक बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ। गुड न्यूज़ क्या है जो थंबनेल पे देखा आपने, तो एक ऐसा थंबनेल पे जो गुड न्यूज़ लिखा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे सुन के आपकी आत्मा को अत्यंत खुशी मिलने वाली है, जितनी की खुशी आपको बैकुंठ जाने पे भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो चीज़ पहले मैं बता दूँ, फिर इस टॉपिक पे हम लोग वापस जाएंगे। तो आप लोग जिस चीज़ के भूखे होते हो ना, वो भूख मिटाने के लिए मैं खाना लेके आ गया आपके लिए। आप लोग बोल रहे हो सर डेली मॉक लगवाओ, ठीक है, चलो मैं आपकी बात सुन ले रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए लगातार मैं थोड़ी सी 2-3 घंटा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट करूंगा। देखो, आज शाम को 5 बजे लाइव आते हैं। ठीक है, रेगुलर शाम को 5 बजे लाइव आते हैं, और उस लाइव क्लास के अंदर हम लोग एक बेस्ट मॉक टेस्ट, और यहाँ पे थंबनेल पे दिख रहा होगा आपको, वर्दी के दीवाने आ जाओ आग लगाने, वाकई आग लगा देंगे। ठीक है, थंबनेल देख के लग रहा होगा कितनी जोश के साथ आने वाले हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 5 बजे होगी ना, जो होगी एक बार मॉक टेस्ट में आना लाइव, उसके बाद कहना कि सर ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मार्क्स एक ही बार 5-5, 6-6 नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ाई होगी, 5 बजे देखते हैं हमारे कारनामे कैसे हैं। तो 5 बजे रेडी रहना, ये मॉक टेस्ट आज लाइव क्लास में करेंगे 5 बजे। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर एग्ज़ाम डेट, तो छोड़ो एग्ज़ाम डेट तो एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगी, वो भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा। मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा, थोड़ी सी जीके को छोड़ के, जीके मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसको पढ़ लो आप एग्ज़ाम से पहले, या फिर पढ़ लो तो रिविज़न कर लो बहुत ज़्यादा, तो आपकी एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स आपके गेन हो जाए अच्छे खासे। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ है, आपकी जो दुख है वो मैं थोड़ी सी दूर करना चाहूँगा। वो दुख ये है कि सर ये चीज़ बता दो, एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड कुछ एक दो लाइन बोल देते हो तो थोड़ी सी मतलब आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, तो इसको भी तृप्त मैं कर देता हूँ। सुनो, एग्ज़ाम आपका मुझे जहाँ तक अभी तक देखो जय वो कि अभी मतलब हुलिया है। देखो एक चीज़ समझना, एग्ज़ाम का ये ट्रेंड है ना, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको पता चल जाता है क्या क्या एग्ज़ाम कब होगा। आज है 11 तारीख, ठीक है, 11 मार्च, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 के आसपास। ठीक है, तो अभी तक तो कोई डेटा हमको मिला नहीं है एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्ज़ाम कब होगा ये सब चीज़, मतलब ऑफिशियली कुछ मिला नहीं है। तो अभी श्योर है आपका एग्ज़ाम जो गाइज होगा ना आफ्टर 20, ठीक है, तो 20 मार्च के बाद होगा, श्योर है। ठीक है, अगर ये चीज़ है ना, मैंने पहले से भी कह रहा था कि एग्ज़ाम जो होगा आपका एंड मार्च का है, तो वो 21 से 30 के बीच में ही कराएंगे, तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, जिसका मान लो आपका एग्ज़ाम डेट है 22 मार्च, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 मार्च को। ठीक है, 20-21 मार्च को आपका एक मतलब 20 तारीख तक तो एडमिट कार्ड कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ श्योर रहना आप, ठीक है ना। जिसका अगर 22 का एग्ज़ाम हुआ तब, ऐसा नहीं कि 24 से एग्ज़ाम शुरू करते हैं 30 के बीच में, तो फिर आपका 22 तारीख से एडमिट कार्ड आएगा, बट श्योर है कि मार्च के एंड तक 30 तारीख से पहले आपका 24-30 मतलब इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है ना, तो ये श्योर रहना, एडमिट कार्ड भी 2 दिन पहले आएगा। आप थोड़ी सी बात सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है सेक्शन 1 के लिए, आपको पता है कि सिर्फ मैं सेक्शन 1 ही पढ़ाता हूँ और सेक्शन 1 में आग लगवा दूंगा। मैं ये चीज़ बताता हूँ कि 55 कैसे स्कोर करना है, मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने जो पूरी मैथ करा दी उसको पढ़ लोगे ना तो 20 में से 20 सही करोगे। जो भी थोड़ी बहुत छुट्टी हुई है मैं या तो प्रैक्टिस में कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले, और भी बहुत सारे ट्रिक्स वाली वीडियो लाने वाला हूँ आपको बता दूँ मैं। सिर्फ मैं 2 दिन थोड़ी सी मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा, 13 तारीख और 14 तारीख कंटिन्यू रहूंगा, बट लाइव नहीं रह पाऊंगा क्योंकि उस दिन मुझे कहीं जाना है। बाकी जो भी दिन बचे हैं ना, मैं आपको दिन में 4-4, 5-5 वीडियो दूंगा जिससे कि आप बूस्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अभी एग्जाम डेट क्लियर। ये थंबनेल जो मैंने बनाया था वो आपको मैंने दिखा दिया, कितना रॉक करने वाला लग रहा, बहुत ही झकास बना हुआ है। ठीक है, अभी देखो, अभी छोड़ो टेस्ट सीरीज की बात है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो इंग्लिश के अंदर। देखो गाइज, इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं समझो, यहाँ पे टोटल मार्क्स होता है 15। अब यहाँ पे पिछली 2 बार ऑनलाइन एग्जाम किया कोस्ट गार्ड ने, कॉम्प्रीहेंशन जिसको आप लोग पैसेज बोलते हो, एक बार भी नहीं पूछा गया है, तो पैसेज पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एग्जाम में आया नहीं है 15 क्वेश्चन, सिर्फ ग्रामर और वोकैब क्या है, तो यहाँ पे आपको वन वर्ड और ईडीएम, ठीक है, ये जो है ना वो कहाँ से आएंगे, जो मैंने ट्रिकी इंग्लिश पढ़ाया ना, बोलोगे क्यों इतना शोर से बोलते हो सर, गारंटी क्यों देते हो। देखो मैंने इतना सारा करा ही दिया ना वहाँ पे, वन वर्ड और ईडीएम मतलब पूरे साल के अंदर, वो अगर कर लेते हो तो 1000% गारंटी है कि उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहाँ से, वो भी ट्रिक इंग्लिश पे कराया, उसको कर लो, 95% तो नहीं बट 95% चांसेस है कि वहाँ से आएंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग का कोई ठीक नहीं है कहाँ से फूल देता है। ठीक है, फिर भी आपको बेसिक पढ़ते रहना है। अभी समझो यहाँ पे सर ग्रामर कहाँ से पढ़े, अब ग्रामर के कुछ रूल्स वाले वीडियो मैं लाऊंगा, अगर आपने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो उसको देखना, इंपॉर्टेंट रूल्स, हॉट रूल्स करके मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, रेगुलर एक वीडियो ट्रिक इंग्लिश पे भी और ए टू जेड स्टडी पे भी, तो दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना।
अभी चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लें, ये आपने अगर कहीं भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करना, तो मैं जो हॉट रूल वाली जो वीडियो लाने वाला हूँ वो पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपने फिर भी इंग्लिश पढ़ा है पहले से, तो मेनली अपने को फोकस कहाँ पे करना है, तो सबसे ज़्यादा करना है इस प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहाँ पे दो तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इसको एग्जाम से पहले 3 बार कम से कम अभी पढ़ लेना, टाइम है आपके पास। इसको 10 दिन में आराम से, मतलब रेगुलर 1 घंटे के अंदर पढ़ के रिविजन करें, इसको रिविजन करना है, आपने पहले कभी भी पढ़ा है इसको रिविजन करना। इसके साथ साथ आपको टेंस पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको वॉइस से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन नरेशन से। इतने चैप्टर से आपको मैं बताता हूँ इंग्लिश में ना आप 6 से 7 नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। 6 से 7 नंबर यहाँ से, और 2-3 नंबर ले लोगे इडियम फ्रेज और 1 वर्ड से, समझ रहे हो। आपको मेनली इन 4 चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के टॉपिक फालतू के हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे प्रायोरिटी देना इन 4 चैप्टर्स को, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन। अब टेंस क्यों सर? टेंस में देखो, एक ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब बहुत सारी अपने अंदर लेके छुपा हुआ है ग्रामर के रूल को, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जनरली पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड खास करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। देखोगे कि मैंने भी SSC के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, इंग्लिश पकड़ के रगड़ देता हूँ, क्योंकि मेनली ये 4 चैप्टर्स जो है ना आजकल के एग्जाम पे ट्रेंड बन गए सभी ऑनलाइन एग्जाम्स के, और खास करके जो डिफेंस वाले तो और भी प्रीपोजिशन भर भर के दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इन 4 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। अभी तो प्राइमरी थी, प्रीपोजिशन था अपना, फिर उसके बाद अपने को टेंस पढ़ना है, उसके बाद वॉइस पढ़ लेना है, उसके बाद नरेशन। और वॉइस नरेशन के क्वेश्चन किसी भी हालत पर गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 90% बच्चे सही करते हैं आंसर। तो अगर आप 90% से बाहर निकलोगे तो 2 मार्क्स खत्म, और 2 मार्क्स घटने का मतलब आप लाखों बच्चों से पीछे। समझ में आ गया ना? अभी समझो सर यहाँ पे। इसके अलावा सर, इतना अगर मेरा बहुत स्ट्रांग है तो फिर अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? तो इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस उसको पढ़ना, कंजक्शन पढ़ लेना, एडजेक्टिव पढ़ लेना, एडवर्ब पढ़ लेना, ये 4 चैप्टर। ये चीज़ बहुत अच्छे से अगर पढ़ ली हो तो उसके बाद ये अगला ये पढ़ लेना, बाकी अगर इतना हो पाता है आपसे रिवीजन 2 बार तो इसको करो, और उसके बाद अगर फिर भी टाइम बचता है तो पूरा बाकी बचा खुचा कर लेना। बट प्राइमरी जो है ना वो इन 4 टॉपिक, और फिर उसके बाद इन 4 टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। मैं आपको एक वे बताता हूँ, ठीक है। तो ये है सबसे झक्कास तरीका, ये मतलब स्टडी का। सर मैथ के बारे में बताओ। देखो मैथ का जो सबसे ना यहाँ पे फंडा ये है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनके पास देखो क्वेश्चन के वेदन ज़्यादा हो गया, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हैं उनको, ठीक है। अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हैं तो चैप्टर, वो मैथ में चैप्टर कितने हैं सर? मैक्सिमम 18-17, ये भी चैप्टर नहीं है, 17-18 चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। मतलब 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर से हमको 20 क्वेश्चन पूछने, समझ रहे हो। ये 15 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन भी बनाए अगर ना, तो फिर भी उनके पास 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो पूरे सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठा के डालेंगे, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर करके हम आगे निकल जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लेना, यहाँ पे इंग्लिश में चैप्टर्स ज़्यादा हैं अपने पास, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है इंग्लिश का, और अपने पास क्वेश्चंस लिमिट है कि 15 क्वेश्चन उनको पूछने हैं, उसी में वो कैब वगैरह भी, तो 4-5 नंबर के वो कैब ही आ जाते हैं, और ग्रामर इतना ऑलरेडी बड़ा है उसमें से 10 ही क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देना काफ़ी आसान होता है। बट मैथ में क्या है ना चीज़, यहाँ पे चैप्टर्स लिमिट में है इनके, ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर लिमिट में, और क्वेश्चंस 20 है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। तो आपको इनमें से जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चैप्टर्स है और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, तो वो सबको मतलब सेम इंपॉर्टेंस देना, और खास करके अरिथमेटिक के अंदर आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के साथ आपको देना होगा एवरेज, जो कि खास करके बहुत सारे लोगों का वीक सेक्शन है एवरेज, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन। इन तीनों चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के बनने लगते हैं। ये 3 क्वेश्चन मिलके ना, ये कहो कि मतलब 50% अरिथमेटिक को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा अगर अरिथमेटिक में कुछ पूछता है तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से कम रहेगा, बट सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन रहता है। तो मेनली हमको इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बट ऐसा नहीं है कि इन तीनों को पढ़ के हम 20 में 20 बना देंगे किसी भी कीमत पर, नहीं। इन तीनों को पढ़ लोगे ना तो मुश्किल से आप 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे एडवांस मैथ में भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से एक पूछ लेगा, मेंसुरेशन से 2, 3, 4, 5 भी पूछ सकता है, ज्योमेट्री से 1-2 पूछेगा। तो लगभग जो चीज़ें मैंने सब पढ़ाई है, तो मैथ में कोई भी टॉपिक को छोड़ के निकलना, ये मतलब कोई भी आगे कह रहा है कि ये टॉपिक पढ़ लो, तो फिर मुश्किल काम है भाई सिलेक्शन लेना, क्योंकि मैथ ऐसा जगह है जहाँ से हमको 20 में से कम 18 और मैक्सिमम स्कोर करने की ज़रूरत है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। सेक्शन 1 ही है ना ऐसा, चाहे आप GD DB यांत्रिक कोई भी दो, सेक्शन 1 ही है तो क्या आपको सिलेक्शन दिलवाता है, बाकी अदर सेक्शन सिलेक्शन नहीं दिलवाते, वो बस पास करने पर मार्क्स लाओ और सेक्शन 1 में रॉक कर दो, सिलेक्शन फिक्स है आपका।
रीजनिंग में क्या कह रहा है भाई, रीजनिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है। रीजनिंग तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, आपने कभी नहीं पढ़ा तो जाओ प्लेलिस्ट है जाके चेक कर लो, पूरी रीजनिंग पढ़ लेना आप, मतलब 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर सारा रीजनिंग पढ़ सकते हो, मैंने इस तरीके से पढ़ाया। उसके बाद बहुत सारे मॉक मैंने कराए हैं, रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने जो पढ़ाया 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये 1000% गारंटी है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना, मैं हवा में ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे मॉक टेस्ट देखना, मॉक टेस्ट में जान होता है, जो प्रीमियम मॉक टेस्ट लोग लगाते हैं ना, वो चीज़ मैं फ्री में भी दे देता हूँ यूट्यूब पे ही, ठीक है ना। भले वो PDF टेलीग्राम पे देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF चाहिए आपको भाई, ये आपकी ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत है तो आप ज्वाइन करो, नहीं ज़रूरत है तो फिर मत ज्वाइन करो। बट आपको मैं कहूँगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें फ्री में मिल रही है तो उसको फ़ायदा उठाओ, फिर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और जितनी भी PDF मिलती है ना, डाउनलोड करके नोट्स बनाओ या फिर प्रिंट आउट करके पढ़ते रहो, खास करके A to Z स्टडी वाली, क्योंकि ये जो मतलब सबसे अलग चैनल है अपना। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं सर GK के बारे में। देखो GK के 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 500+ क्वेश्चन दिया, और आयुष सर ने जो शुभम पढ़ाते हैं वो 200 क्वेश्चन करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, तो उनको करते रहो। GK का कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, एरिया नहीं है, और इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे होंगे ये चीज़ श्योर है। 5 में से 5 नहीं कह सकते क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट इस 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे होंगे इसकी गारंटी अपनी है। साइंस की गई, साइंस जो है स्पीडी, देखो कुछ लोग कह रहे थे ना कि साइंस के लिए सर आपने लूसेंट नाम का साइंस बताया था, जो बच्चे शुरू से लूसेंट पढ़ रहे हैं वो तो सबसे विद्वान है, उनको छोड़ दो, उनका सारा GK सही होगा। बट जो कम टाइम के अंदर पढ़ना चाहते हैं वो स्पीडी साइंस पढ़ो, मैंने एक वीडियो बनाया था स्पीडी साइंस के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा पैसा बर्बाद कर दिया आपने लूसेंट साइंस खरीदवा के, अरे मूर्ख इंसान, मैंने क्या बोला कि कम टाइम के अंदर तैयारी कराना है तो फिर आप स्पीडी साइंस पढ़ो। अगर आप लूसेंट साइंस पढ़ रहे हो पिछले 2-3 मंथ से, तो आपसे जानकार स्पीडी साइंस वाला नहीं हो सकता है, आप उससे ज़्यादा नंबर लाओगे। फिर भी स्पीडी साइंस पढ़ के आपको देखा था लाइव क्लास में कि बच्चों के 10 में से 10 मार्क्स आ रहे थे, और स्पीडी साइंस पूरा का पूरा लूसेंट साइंस जो है ना उसी से उठा के, या फिर मिलता जुलता सारे क्वेश्चंस है, तो टेंशन ना लो। अगर लूसेंट साइंस पर मतलब आपका कमांड है बहुत अच्छे से, तो फिर स्पीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पीडी साइंस पढ़ो, इससे भी इसको अच्छा खासा किया जा सकता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी आपको, और 10 दिन में जो बाकी के 10 दिन जो बचे हैं ना, तो डिवाइड कर लो अगले 5 दिन तक। मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 10 दिन बचा हुआ है, तो अगले 5 दिन तक मतलब कम से कम डेली से 8 से 10 घंटे स्टडी करो, और हर वो नई चीज़ें सीख लो जो आपको नहीं आती हैं। बाकी के लास्ट के जो 5 डेज होंगे, इसके अंदर कुछ भी नए चीज़ें मत सीखना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, और डेली एक लाइव मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपने मतलब ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं बाई किया, तो देखो मैंने खुद का अपना लॉन्च किया है, इस मॉक टेस्ट को करो, ये सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट है, और ये चीज़ श्योर है, अपनी स्टडी के साथ इसको लगाते हो तो 55+ स्कोर कर जाओगे। इसमें पूरे सिलेबस को मैंने फॉलो कर लिया है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, साइंस के 10, GK के 5, मैथ के 20, रीजनिंग के 10, ठीक है। ये आप बाई कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बाई करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपकी पूरी हेल्प कर जाएगी बाई करने में, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ।